हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टर्म्स रिलेटेड टू आई पैक क्या नेमिंग करने के लिए ना कुछ टर्म्स ऐसी है जो हमें जाना जरूरी है नेमिंग करने के लिए उन टर्म्स के बिना हम नेमिंग नहीं कर पाएंगे ठीक तो शुरुआत करते हैं ठीक है जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा उसमें हमने केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स के बारे में कुछ स्टडी की थी थोड़ी सी अब आयो नेम को आगे बढ़ाते हैं आयो नेमिंग करने से पहले हम कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं वो पढ़ेंगे जैसे वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं प्रिफिक्स क्या होते हैं एल्का ग्रुप्स क्या होते हैं इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो ठीक है सबसे पहले आता है वर्ड रूट वर्ड रूट के बिना नेमिंग नहीं होगी इन सब के बिना ही नहीं होगी वर्ड रूट देख लेते हैं वर्ड रूट क्या होता है वर्ड रूट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन इन अ पेरेंट चेन कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है अगर मान लीजिए एक नंबर एक कार्बन है ठीक है तो वर्ड रूट मिथ होगा ये आपको याद करना है आप इसको पोज कीजिए और इस टेबल को बनाइए ठीक मिथ दो कार्बन के लिए इथ तीन कार्बन के लिए प्रॉप बुट पेंट हेग्स हेप्ट ऑक्ट ऐसे करते करते जितने नंबर होंगे उनके वर्ड रूट अलग होगा मिथ एथ प्रॉप वर्ड पेंट ये आपने टेंथ क्लास में पढ़ा था ये होता है वर्ड रूट ठीक है ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम को रिप्रेजेंट करता है पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है अब सेकेंड सफिक्स की बारी है सफिक्स क्या होता है जब आयो हम करते हैं ना नंबरिंग आयुपैक नेम हम लिखते हैं तो पीछे पीछे वाली टर्म को हम सफिक्स बोलते हैं सफिक्स दो टाइप के होते हैं एक प्राइमरी सफिक्स होता है एक सेकेंडरी सफिक्स होता है ठीक तो प्राइमरी सफिक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है रिप्रेजेंट सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड इन द कार्बन चेन कि वो सेचुरेशन है या अनसेचुरेशन है सेचुरेशन जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था सेचुरेशन में बस एल्केन आते हैं सिंगल बोंड ठीक है और अनसे में दो आते हैं और ठीक है जैसे कि अगर एलकेन हुआ अगर एलकेन हुआ मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन आएगा ठीक है अगर एल्कीन हुआ तो पीछे इन आएगा ये ईन ये एन ये ही तो होते हैं प्राइमरी सफिक्स नाम के पीछे लिखे जाते हैं ठीक है अगर मान लीजिए पेरेंट चेन में सिंगल सिंगल बोंड है सारे ठीक तो पीछे आएगा एन अगर एक डबल बोंड आ गया इसको बोलते हैं डबल बोंड इन को एल्कीन को ठीक है डबल बोंड आ गया तो इन लिखेंगे पीछे और अगर ट्रिपल बोंड आ गया तो एल्काइन आइन लिखेंगे पीछे आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ठीक है तो थर्ड चीज़ है सेकेंडरी सफिक्स अच्छा सेकेंडरी सफिक्स में सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं हमारे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है जैसे एल्कोहल थायो एल्कोहल अमीन्स एल्डीहाइड कीटोन कार्बोक्सलिक एसिड अमाइड्स एसिड क्लोराइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे ओ OH एच दिख जाए ना वहाँ पर ओएल लगाना है सफिक्स में पीछे ठीक है और फं uh, किसी भी कार्बन चेन में एस दिख जाए वो होता है थायो एल्कोहल्स तो पीछे लगाना थाल्स अमाइंस में एन एच टू होता है मतलब इसका फंक्शनल ग्रुप एन एच टू होता है अमीन तो आपको एक बार पोस्ट करो उन सबको याद करना है ये इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है जो नेमिंग में यूज होंगे ठीक और हम बढ़ते हैं फोर्थ प्रिफिक्स पे प्रिफिक्स क्या होता है जो नाम के आगे लगता है ठीक है नेमिंग ऑफ लोकेंट या कोई सब्सिटूंट की नेमिंग ठीक साइड चेन की नेमिंग ब्रांचेस इज प्रिफिक्स ठीक रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स और सम फंक्शनल ग्रुप कुछ फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ एल्काइल ग्रुप्स को वो होता है प्रिफिक्स एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं भाई देखो तुम्हें पता है एल्केन क्या होता है जैसे कि एन सिंगल बॉन्ड के कार्बन्स मान लो हमारे पास सी एच फोर है ठीक सी एच फोर में अगर हम एक हाइड्रोजन कम कर देंगे ना तो अल्काइल ग्रुप फॉर्म हो जाएगा दिस इज मिथाइल ग्रुप मिथाइल सी एच फोर में एक हाइड्रोजन बस एक हाइड्रोजन कम करना है एल्केन में एल्काइल ग्रुप बन जाएगा एल्काइल ग्रुप सब्सटिटूंट की तरह काम करता है जैसे एग्जाम्पल मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी सारे करके तो जैसे कि एल्काइल में सी टू एच सिक्स इथेन इसमें जब हम एक हाइड्रोजन हटाएंगे यहाँ से सी टू एच फाइव बनेगा इसका नाम होगा इसका नाम तो इथेन होगा और ये एक हाइड्रोजन हटाने के बाद इथाइल हो जाएगा वैसे ही यहाँ है यहाँ प्रोपेन है इसका नाम प्रोपेन है तीन कार्बन है और इसमें से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपाइल इस वीडियो में बस इतना ही कि आ, कुछ टर्म्स बताई मैंने इस वीडियो में रिलेटेड टू आई तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगली वीडियो में बात करूंगी इन सब टर्म्स को जोड़ के नेमिंग बनती है वो नेमिंग कैसे बनती है वो अगली वीडियो में बात करेंगे ठीक है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग